नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आचार्य जागेंद्र मिश्रा। आज अपरा एकादशी के दिन रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे चुपके से दबा दे एक चीज, माँ लक्ष्मी दौड़ी चली आएंगी। आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्षी एकादशी है, वो भी अपरा एकादशी। आज के दिन भगवान श्री विष्णु जी की विधि विधान से पूजा करने से सभी मन वांछित फलों की प्राप्ति होती है। आज के दिन श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से भगवान श्री विष्णु जी की विशेष कृपा मिलती है। अपरा एकादशी का व्रत इस बार आज 15 मई दिन सोमवार को रखा जा रहा है और आज रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे चुपके से दबा दे ये एक चीज, माँ लक्ष्मी दौड़ी चली आएंगी। दोस्तों, ये एकादशी सभी पापों का नाश करने वाली एकादशी है। इस दिन भगवान श्री विष्णु जी की पूजा करें और आज विधि विधान से उन्हें पीले पुष्प, पीले फल, ऋतु फल, लौंग, इलायची, नारियल इत्यादि अर्पित करें और फिर उनके मंत्रों का जाप करें। आज के दिन इस अपरा एकादशी के दिन व्रत, उपवास और दान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु जी काफ़ी प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं। साथ ही साथ अगर आज अपरा एकादशी के दिन रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे चुपके से दबा दे एक चीज, माँ लक्ष्मी दौड़ी चली आएंगी। दोस्तों, झाड़ू हर किसी के घर में होता है, लेकिन क्या आपको पता है झाड़ू सीधे तौर से माँ लक्ष्मी जी से जोड़कर देखा जाता है। झाड़ू को लेकर बहुत सारे शुभ और अशुभ शगुन भी होते हैं। और झाड़ू कैसे रखें, कब खरीदें, कब फेंकें और झाड़ू के नीचे ऐसा क्या दबाकर रख दें रात सोने से पहले कि जीवन की सारी खुशियां इकट्ठी हो जाए और सारी परेशानियां दूर हो जाए, आइए जानते हैं इसके बारे में। क्योंकि झाड़ू जो है वो माता लक्ष्मी जी का प्रतीक है और दरिद्रता रूपी परेशानी को घर से बाहर निकाल देती है, भगा देती है। झाड़ू से जुड़े हुए बहुत सारे प्रयोग हैं। आज हम आपको एक खास बात बताएंगे जो जीवन के तमाम परेशानियों से आपको मुक्ति दिला सकता है। वैसे झाड़ू का माता लक्ष्मी के प्रतीक माना जाता है और आर्थिक संपन्नता के लिए कई तरह के हम प्रयोग करते हैं, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत मायने रखती है। आज हम कुछ खास प्रयोग बताएंगे झाड़ू को लेकर। अगर छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखें तो घर से कलह क्लेश खत्म हो जाएंगे, घर में माता लक्ष्मी जी का वास होगा। अगर हम ज्योतिष की माने तो झाड़ू का महत्व तो सबसे ज़्यादा है। बीमारियों को दूर करने वाली शीतला माता भी अपने एक हाथ में झाड़ू लिए हुए रहती हैं और इसीलिए झाड़ू का नियमित प्रयोग करने से कुछ समय में ही आपके घर में सुख समृद्धि आती है। और कुछ बात का ध्यान भी रखना जरूरी है, जैसे एकादशी के दिन सूर्यास्त होने के बाद झाड़ू बिल्कुल ना लगाएं और ख़ासकर इससे माता लक्ष्मी जी रूठ जाती हैं। झाड़ू तो क्या पोछा भी नहीं लगाना चाहिए आज के दिन, और ख़ासकर इससे माता लक्ष्मी जी दूर चली जाती हैं, घर छोड़ देती हैं। और अगर आप ज्योतिष की माने तो झाड़ू को एक ही जगह पर रखने की व्यवस्था करें, ऐसा नहीं कि इधर उधर कहीं पर भी आपने रख दिया, ऐसा बिल्कुल ना करें। झाड़ू को जब भी लगाएं तो उसे एक सही स्थान रखने का चयन कर लें, नहीं तो झाड़ू को अगर आप कहीं इधर उधर रखते हैं या फिर उसे लांघते हैं, फेंकते हैं तो धन प्रभावित होता है, धन आगमन के जो स्रोत होते हैं वो प्रभावित होते हैं, आर्थिक परेशानियों से आपको गुजरना पड़ता है। तो झाड़ू को जहाँ तहाँ बिल्कुल ना रखें। और अगर आपने सपने में देख लिया एकादशी के दिन, सपने में देखने का मतलब है काफ़ी अच्छा है, लेकिन अगर आपने एकादशी के अलावा किसी और दिन देख लिया तो किसी पौधे को जैसे तुलसी को या फिर गाय को सुना दे तो इसके जो दुष्प्रभाव होते हैं वो दूर हो जाते हैं। मान लीजिए आपके घर में साल 6 महीने से झाड़ू पड़ा हुआ है, खराब हो गया, फिर भी आप उसे नहीं फेंक पा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर एकादशी के दिन पुरानी झाड़ू फेंक दें और नई झाड़ू का प्रयोग करें। पुरानी झाड़ू से जब आप अपने घर में झाड़ू लगाते हैं तो टूट टूट कर जब गिरता है तो जितने भी निगेटिव एनर्जी होती है, नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, वो घर में तबाही मचा देती हैं। तो आपको क्या करना है कि इससे बाहर कर दें, नहीं तो धन की परेशानियों को बढ़ा देता है। पुरानी झाड़ू को घर में बिल्कुल भी ना रखें और आप एकादशी के दिन बिल्कुल फेंक दें। जब भी नई झाड़ू को आप उपयोग में लानी हो तो जैसे कि शनिवार के दिन ला सकते हैं या फिर एकादशी कोई भी शुभ दिवस पर आप यानी कि प्रयोग कर सकते हैं, तो धन में भी बढ़ोतरी होगी, खुशियां लाएंगे घर में, खुशियां बढ़ेंगी। झाड़ू को कभी भी आप यानी कि बाहर ना रखें दिखाकर, उसे हमेशा छिपा कर रखें। जैसे आप धन को रखते हैं छिपा कर व्यवस्था करते हैं, उसी प्रकार से झाड़ू को भी यानी कि छुपा कर रखें, खुले आसमान में बिल्कुल ना रखें और बाहरी लोगों की नज़र तो इसके ऊपर बिल्कुल ना पड़े, नहीं तो कष्ट बढ़ता है, ऐसा ना करें। झाड़ू को जब भी अपने घर में रखें ढककर रखने की व्यवस्था करें और झाड़ू की रखने की जो सही दिशा है वो उत्तर और पश्चिम की दिशा है, तो आप उसे उसी दिशा में रखने की व्यवस्था करें, विशेष लाभ होगा।
कभी कभी बच्चे क्या होता है कि झाड़ू लगाते हैं, जैसे कि भोजन करते हैं और झाड़ू तुरंत लगा देते हैं, ऐसा ना करें। पहले जल का छिड़काव करें फिर झाड़ू लगाएं। दोस्तों आज के दिन बहुत ही शुभ है, आज एकादशी अपरा एकादशी, आज कई सारे दुर्लभ शुभ संयोग बन रहे हैं। आज रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे ये चीज जरूर दबा दें, इससे घर में सुख समृद्धि धन वैभव खींचा चला आएगा, माता लक्ष्मी कृपा बरसेगी। दोस्तों अगर आपके घर में किसी ने तंत्र मंत्र की बाधाएं, नजर दोष या फिर किसी ने टोने टोटके करा रखे हैं तो 5-6 साबुत लाल मिर्च ले लें। ध्यान रखिए 5-6 साबुत लाल मिर्च और रात्रि सोने से पहले झाड़ू के नीचे चुपके से दबा दें, जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। एक नई झाड़ू भी लेकर आ सकते हैं, उसी के नीचे आप इसे दबा दें, या फिर आपके आपके घर में जैसे पुराने झाड़ू हैं, सही है, टूटा फूटा नहीं है, तो उसे अच्छी तरह से धो लें, विधिवत उसे धोकर सुखा लें और फिर उसे शाम के समय यानी रात्र से पहले थोड़ा सा उसमें लाल पुष्प और हल्दी का टीका लगाएं और फिर रात्र सोने से पहले जरूर आप 5-6 साबुत लाल मिर्च दबा दें, घर की सारी निगेटिविटी दूर हो जाएगी। धन की समस्या है, नौकरी की चाहत रखते हैं और धन में बरकत चाहते हैं, चाहते हैं कि आपके घर में धन का स्रोत तेजी से बढ़े, धन आए, कहीं न कहीं से धन के स्रोत बढ़ते चले जाएं, माता लक्ष्मी का आगमन हो, तो 2 लौंग, 2 इलायची और 1 रुपए का सिक्का झाड़ू के नीचे चुपके से दबा दें। ध्यान रखिएगा 2 लौंग, 2 इलायची और 1 रुपए का सिक्का झाड़ू के नीचे दबा दें, घर की सारी मुश्किलें, जो धन संबंधित मुश्किलें हैं, दूर हो जाएंगी, धन तेजी से बढ़ेगा, धन आगमन बढ़ेगा और पैसा इतना तेजी से आएगा कि आप संभाल नहीं पाओगे, पैसा गिनते गिनते थक जाओगे, आमदनी के स्रोत बढ़ेंगे, चारों दिशाओं से आपको घर में आमदनी बढ़ेगी। अब जैसे मान लीजिए आपके घर में किसी प्रकार की समस्या है या फिर आपके घर में कलह क्लेश बने रहते हैं, तो आप 5-6 साबुत काली मिर्च होती है, 5-6 साबुत काली मिर्च और 5-6 साबुत जो काले तिल होते हैं, दोनों को मिलाकर के आप झाड़ू के नीचे चुपके से रख दें तो घर में सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी और आपके घर में धन संबंधित चीजें भी टिकने लगेगी और धन रुकेगा भी, टिकेगा भी और आप उसका सही प्रयोग भी कर पाएंगे। आपके घर में जैसे मान लीजिए व्यापार चला रहे हैं, व्यापार में बरकत नहीं हो पा रही है या फिर किसी न किसी वजह से आपके घर में कोई ना कोई परेशानी खड़ी रहती है, चाहे धन को लेकर हो, चाहे नौकरी को लेकर हो, व्यवसाय को लेकर हो, तो आज अपरा एकादशी के दिन रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे आप कुछ रखें ना रखें एक मोर का पंख रख दें। मोर का पंख रखने से घर में सुख समृद्धि धन तेजी से बढ़ता है, धन आकर्षित होता है, माता लक्ष्मी खींची चली आती हैं, दौड़ी चली आती हैं। तो आज अपरा एकादशी का दिन है, ये चीजें जरूर दबा दें, इससे घर में बरकत भी होगी, धन दौलत में वृद्धि भी होगी और धन तेजी से खींचा चला आएगा, घर में सुख समृद्धि का वास होगा और रुपए पैसों की कमी कभी नहीं महसूस होगी। आज कई सारे दुर्लभ शुभ संयोग भी बन रहे हैं, तो ये झाड़ू का उपाय जरूर करें। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय मां लक्ष्मी।